तो आजकल अगर आप इंस्टाग्राम में फेमस होना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको लड़की बनना पड़ेगा। अगर आप लड़की हो तो फिर आपका मुश्किल है फिर फेमस होना। जैसे कि ये लड़की, इसने नया नया कदम लिया इंस्टाग्राम में फेमस होने का, और इस लड़की को देख के पता चलता है बंगाली लोग सिर्फ काला जादू करने में अच्छे नहीं है, भिंचुत क्या लड़की पैदा करते ये लोग। और अगर इस लड़की को जानना है तो बस दो चीजें याद रखो, पहला ये कि इसको कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद है, और दूसरा ये कि जैसे दूसरी लड़कियां सेब संतरा और आम लेके घूमती है, लड़की पूरा का पूरा तरबूज ही लेके घूमती है। नहीं भेंचोद, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एक बार के लिए फुटबॉल छोटा लगने लगेगा इसके सामने, इसका इतना बड़ा है दिल। और मुझे बड़ी दिल वाली लड़कियां बहुत पसंद है। और भेंचोद एक बात याद रखना, अगर बीवी पटाओ ना तो ऐसी पटाओ, वरना मत पटाओ। आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड का स्तन अगर भागते हुए नहीं हिलता है तो याद रखो वो औरत के नाम पे एक मर्द है। और अगर आपने किसी औरत रूपी मर्द को पकड़ ही लिया है तो जैसे आनंद आहूजा ने सोनम कपूर पे काम किया है, आप भी वैसे काम करना शुरू कर दो। खैर जो भी है, लेकिन अभी मैं आपको इस लड़की के इंस्टाग्राम के थोड़े फोटोज दिखाने वाला हूँ। इस फोटो में लिखा है कि करोड़ों बंदों ने एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा, लेकिन सिर्फ न्यूटन ने पूछा कि एप्पल नीचे क्यों गिरता है। वैसे आपका क्या क्वेश्चन है इसके लिए? देखो आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा इससे एक ही क्वेश्चन है कि चूसेगी या चूसने देगी। अब मैं ठहरा अच्छे दिल का बंदा, ये दोनों में से जो भी करने देगी मैं उसी में खुश हूँ। इस फोटो में ये बोल रही कि ये वो सब चीज है जिसको आप चाहते हो लेकिन कभी पा नहीं सकते। इस मैडम को कोलकाता से उठा के कभी दिल्ली में भेजो, इसको पता चलेगा दिल्ली के लड़कों को अगर कुछ चाहिए और उनको नहीं मिला तो कभी कभी वो जबरदस्ती को उठा के लेके जाते हैं। बाकी आप होशियार हो, मुझे मालूम है आपको पता चल गया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इस फोटो में ये लिखा है कि एक लड़की जो है समाज के लिए अपने परिवार के लिए अपने आपको बदल देती, लेकिन जो लड़की ये सब ना करके वो जैसी है वैसी रहती वो लड़की सबसे ज्यादा खूबसूरत रहती है। तो ये पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने एक लड़की को बोला कि तू समाज और अपने परिवार के लिए अपने आपको मत बदल, तू जैसी है वैसी रह, तू सबसे ज्यादा खूबसूरत रहेगी। और जैसी मैंने उसको ये चीज बोला, मैं देखता हूँ कि वो लड़की अपने बाल आगे लेके आती है और अचानक पागल जैसे नाचने लगती है और मुझे चाकू दिखा के मेरे से 200 रुपए लेके जाती है। और फिर भेंचोद मुझे पता चलता है उसके मासी की लोगों को डरा के उनसे पैसे चुराना उसका शौक है। इसीलिए भेंचोद अगर कोई लड़की अपने आपको बदलने की कोशिश कर रही है तो उसको बदलने दो, खुद से गांड मस्ती बिल्कुल मत करो, नहीं तो मेरे जैसे 200 रुपए से हाथ धो बैठोगे। अब मेरे जाने का समय हो गया क्योंकि मुझे मालूम है इन पिक्चर्स को देख के बहुतों का खड़ा हो गया, इसलिए अब हिला अकेले में मैं जाता हूँ। तो बस वीडियो को आज हम यहीं पे खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो, और फेसबुक में भी हमारा एक पेज है, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी लाइक और फॉलो करो। चलो थैंक यू, बाय।